पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। राजनीति में सुचिता के बाद तो होते, फिर कौन राजनीतिक दल एकर पालन करते, ये बड़े सवाल है। आज के मुद्दा एकरे ले जुड़े है। असल में दिल्ली में सभा ला संबोधित करे के बेरा राहुल गांधी के जबान फिसल गिस, उखर बाद बीजेपी सरलग कांग्रेस ऊपर हमला करत है। तब कांग्रेस अब घलो कई उदाहरण दे के बीजेपी ला घेरे के कोशिश करत है। दोनों पार्टी के लड़ाई ट्विटर में चर्चा के विषय बने हुए, ता एकरे ऊपर आज करबो पंचायती, ओखर पहली देखो ये रिपोर्ट। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। माननीय मोदी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। ये दो तस्वीर दो बड़े पार्टी के दो बड़े नेता के हैं। पहली वीडियो राहुल गांधी के और दूसर वीडियो रमन सिंह। फिर ये वीडियो में एक बात विशेष हवा है कि ये दोनों वीडियो में नेता मन के जबाना फिसल गए और जबान फिसले के संग शुरू हो चुके हैं राजनीति। असल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली के रैली में आटा के भाव लीटर में बताए रहे। ये मुद्दा पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच ट्विटर वार शुरू हो चुके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक वीडियो जारी करी और ये वीडियो में रमन सिंह प्रधानमंत्री मोदी ला श्रद्धांजलि देते हुए सुनाई पड़ा थे। अतकेच नहीं, कांग्रेस रमन सिंह ला तंज कसत हुए लिखी ने का कहा था गोलू। एक पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हर ट्वीट करत हुए लिखे रही, भेल ले मोबाइल बनाने वाला राहुल बाबा अब आटा लीटर में लेवत है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे महान ज्ञानी के ही मार्गदर्शन में काम करत है। एकर पहली काली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रही के राहुल गांधी अपन गलती एक सेकंड में ही सुधार ले रही, फिर भाजपा के नेता ऐसे कई गलती करे जो उन आज तक नहीं सुधरे। कितने बार इनकी जवानी फिसली है। रमन सिंह तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दिए थे इसी रायपुर में। कभी कभी ये बात हो जाती है, लेकिन क्या आपने अपनी गलतियां सुधारी? नहीं। यहाँ तो राहुल जी तो एक सेकंड नहीं लगा, खुद ही उन्होंने कहा किलो नहीं लीटर। उहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहीन है कि राहुल गांधी जब ले आलू ले सोना निकाले पर शुरू करें, आज पूरा हिंदुस्तान मा कांग्रेस के काय स्थिति हवे कोनो ले छिपे नहीं है। ओखर खुद के पार्टी के नेता ओखर मन के बारे में का कही थे ये जग जाहिर है। मुद्दा हम नहीं बनाते क्योंकि उसको तो बेचारे को हमेशा माफ किया जाता है, इस बार भी माफ कर दिया जाएगा, मगर ये है कि जिसको प्रधानमंत्री बना रहे उसको आईक्यू तो ठीक कर लो। ये तो सही बात है कि बिना हाड़ा के जीव फिसल जाते, फिर उखर बाद जो राजनीति शुरू होते उमा राजनेता काफू लिहाज नहीं रखा। ऐसे में ये बात के अंदाजा लगाया जा सकते है कि राजनीति के स्तर कद का गिरज जाते। सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। ऐसे होते कि कई घाव जबान फिसल जाते और फिसले के बाद जोन तरीका के राजनीति पाछू कुछ दिन में देखे बार मिला थे। बड़े नेता मन एमा शामिल हो जाते और ट्विटर मा और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे ऊपर हमला करते, जोन गंभीर विषय कहे जा सकते। काबर के आज हम राजनीति के जोन स्तर के बात करथन, मूल विषय ही हरे कि ये मा कोनो विकास के मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल राजनीति में सुचिता के। हमारे दो पहुना ए बार हमारे संग जुड़े थे। ओपी चौधरी जी बीजेपी के नेता हवा वो हमारे संग जुड़िया थे, ता विनय जायसवाल जी कांग्रेस के नेता हमारे संग जुड़िया थे, जो ये पैनल के हम स्वागत करथन जोहार करथन। सबले पहले विनय जायसवाल जी आप मन ले ये मोर सवाल हवा कि ये जो स्थिति बने है, आज हम सुचिता के बात करथन राजनीति में, आज हमन कोनो बड़ दुख के बात है कि हमन कोनो विकास के विषय में आज डिबेट नहीं करा था, या कोनो ऐसे विषय नहीं है जो जनता ले सीधे तौर पर जुड़े है, लेकिन चूंकि ये चर्चा के विषय है और काफी सोशल मीडिया में चर्चित है, ता ये खर ऊपर चर्चा करना चाहिए। विनय जायसवाल जी, ये स्थिति बने हुए और जोन तरीका ले अब बीजेपी हमलावर है या एक तरीका ले हमला करते, ता आप मन का रिएक्शन दे हो पहले आप मन ले जाना चाहते। राहुल जी, निश्चित रूप से ये जो पंचायती के आज डिबेट है ये बड़े दुर्भाग्यजनक बात है कि पूरे देश के जो हालत 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी से, अभी माननीय कलेक्टर साहब जो रहीस अभी भाजपा के युवा मोर्चा के नेता बन गए से और कलेक्ट्री छोड़ के रोजगार मांगे के काम भी यहाँ एमन करे हैं। मैं आप मतलब बोलना चाहूं राहुल जी कि आज के जो राजनीति के जो स्तर है
भारतीय जनता पार्टी के राहुल जी के पूरा भाषण सुन लो, बोलो तो मैं क्लिपिंग दिखा दूं, नहीं तो आप पूरा क्लिपिंग दिखा दो। जो आटा के जो बात है उसमें आप भी पता है कि स्लिप ऑफ टंग के बात है, जवान फिसले के बात है। अगर मैं अभी गिनाना चाहूं तो अभी 100 मामला गिना देंगे। ये भी रमन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री है, अभी बात करते रही चोकर भी गोट बात में सुनत रहे कि एला माफ कर देना चाहिए। अरे तो रमन सिंह जी ला भी माफ कर देना चाहिए का? हमर देश के प्रधानमंत्री ला श्रद्धांजलि दे दे, इस हमर बीच नहीं रहे इसका हमर प्रधानमंत्री है, ऐसा बात करते ये। अगर अभी एक साथ बात करना चाहूं, 600 करोड़ के पूरा पॉपुलेशन बता देते हमार माननीय ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी है। अगर अरे मैं तो आपसे ये बोलना चाहता हूं, अगर ये पूरा विषय भटकाना चाहते, अगर पूरे देश में महंगाई के जो मार है, गैस की जो कीमत के बात है, पेट्रोल के जो कीमत के बात है, अगर हमारे खाद्य तेल के बात है, हमारे एक एक काणा जो भोगी है योगी नहीं है वो बोलत रही हमेशा टीवी डिबेट में आके कि 30 रुपए पेट्रोल के दाम चाहिए कि नहीं चाहिए, मोदी सरकार लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ये सब बात कहाँ गई राहुल जी। अगर बात करूं, अगर मुद्दा का बात करूं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी केवल एवर टिकिस है कि ये मुद्दा ला भटकाए के काम करते। रोजगार दे के बात करते कि 2 करोड़ रोजगार दे, अरे 16 करोड़ मन के रोजगार ना दे के 8 साल में अभी करोड़ों के नौकरी छीने के काम में मन करी। अभी बड़ा बड़ा बात करते हैं ये राहुल गांधी के बात करते हैं, कोई भी एक गलती होते, अरे वो तो राहुल जी के जो पूरा वीडियो है बोला सुनो, वो तो तुरंत केजी पुलिस है। लेकिन अपन सुन रहे हो जी, और जी कहा थे कि वो जो बात कहत रही ने उमा विशेष बात ये रही कि 22 रुपया ले 40 रुपया आटा के दाम हो चुके हैं, ये बात कहना चाहत रही ने, फिर जवान फिसल गई। मुद्दा ये रही इसके 20 रुपया महंगा होके 40 रुपया अब उखर आटा की कीमत हो चुके, ये बात ला ध्यान न दे के बजाय ये बात ला ध्यान दे गिस को लीटर में बात करत है ओपी चौधरी जी। जी जी राहुल जी, आदरणीय विनय भैया जी यहाँ पे डिबेट में है, बोला बड़ा पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं और उकर कारण से मैं उकर बड़ा सम्मान करता हूँ। और कांग्रेस लगातार मोला कहा थे कि ये कलेक्टिव ला छोड़ के रोजगार मांगा थे, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए, सोशल मीडिया में पूरा उकर आईटी से कैंपेन चला रखे है। तो ये चीज ला मैं एक लाइन में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के युवा मन के हक के लड़ाई लड़े बर कलेक्टरी के नौकरी ला छोड़े हूँ, छत्तीसगढ़ के गरीब के किसान के महिला के लड़ाई ला लड़े बर कलेक्टरी के नौकरी ला छोड़े हूँ। और आज भी अगर मैं खुद अपन स्तर में चाहा तो 100 करोड़ रुपया पर साल के टर्नओवर वाला कंपनी आज भी मैं खड़ा कर सकता हूँ, मो ओकर बात नहीं है, मोर ऊपर जो व्यक्तिगत हमला होते तेला में पहली स्पष्ट करता हूँ। दूसर बात जो मूल मुद्दा में हमन आथन कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो स्लिप हो गए बात हर या वो काकरो नेता द्वारा होते, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के द्वारा भी होते, ये सब बात हर बहुत स्वाभाविक है जो स्लिप होते ते बात है। लेकिन राहुल गांधी जी के जब प्रश्न आते तो बात अलग एवं हो जाते, कब की चांदी के चम्मच लेके वो पैदा हो तेकर बहुत कबू खेत तो देखे नहीं है, ये ओकर न बाई देखे है, न ओकर दीदी देखे है, न वो खुद देखे है। और ओकर कारण से जैसे विनय भैया जी हर ही जो कांग्रेस के अभी प्रतिनिधित्व कर रहे थे यहाँ डिबेट में, विनय भैया जी भी कभू भी जो बात फिसल ही भी तो ये नहीं फिसले कि आटा लीटर वाली बात नहीं आ जाए, वो केवल और केवल वही आदमी के मुंह से आ सकत है जो न चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। ओकरे में स्थिति ये पैदा होते कि गुलाम नबी आजाद जी आज बोली कि ओकर बॉडी गार्ड निर्णय लेते, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़े खानी कहीस आज असम के मुख्यमंत्री बन गए है, वो कहीस कह रही कि वो जाके मिलेगे रही तो कुत्ता ला रोट मतलब वो बिस्किट खिलाना ज्यादा जरूरी समझत रही। जो ये जो ग्राउंड से कटे हुए हैं, खेती से कटे हुए हैं, आम आदमी गरीब के जिंदगी से, युवा के जिंदगी से कटे हुए हैं, ऐसे परिवार ला ऐसे व्यक्ति ला नेतृत्व कांग्रेस प्रदान करत है। ओकरे वो बार बार ओकर मुंह ले अलग अलग चीज निकल जाते, जो बात फिसलना एक स्वाभाविक है, कोई भी नेता के लिए स्वाभाविक है। लेकिन बात असल ये कि मन ग्राउंड से कटे हुए बात यह है कि जब भी ऐसे होते था कोनो लॉबी काम करे पर शुरू कर देते का, कोनो इसे गिरो सके गैंग सक्रिय हो जाते का, जो न इसे टाइप के संदेश आम जन में पहुंचाए कोशिश करते आप मन ऐसे रखते का, कई गांव कांग्रेस के नेता मन कहे है बात ला। देख राहुल जी, मैं ना जान बूझ के बात बोले, काबर की विषय तो महंगाई के और बात फिसले के रही, लेकिन मैं अपन भाषण अपन ये डिबेट के शुरुआत में माननीय जो हमारे ओपी चौधरी जी कलेक्टर साहब रही है, बहुत इज्जत करते, दिल से इज्जत करते,
पढ़े लिखे आदमी है, आईएएस की परीक्षा देना कोई मजाक बात नहीं है। जानबूझ के अगर मैं बात बोले तो ये क्या बोले, इस किमोला व्यक्तिगत तौर से घेरे के काम कर रहे थे, एमन के ट्रोल मीडिया और ये जो जो भी है, जो जो भी बात है तो आम जनता कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के आम मन के मन कर रहे थे कि कलेक्टर की नौकरी छोड़ के रोजगार मांगे वाले बात, उनमें मैं नहीं जाऊं। राहुल जी कलेक्टर साहब ला इतना चीटा लग गई कि मैं 100 करोड़ की कंपनी मुरा नौकरी दे ही और ये वो तमाम तरह के बात। अब आप राहुल गांधी के बारे में जो बोली से कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हो, अरे बोले के पहले तो थोड़ा सोचना चाहिए कलेक्टर साहब कि कौन परिवार के बारे में क्या बात आप करे। तो अरे ऐसा बलिदानी परिवार जो दो दो अपन घर के सदस्य ना देश के खातिर शहीद होए के काम जो करे ना, आज पूरे देश के निर्माण के जो काम पूरे ये परिवार करे, वो परिवार के पीछे केवल जेकर कोई डिग्री के कोई पुछारी जो भारतीय जनता पार्टी के वॉल से पूरे देश देखी है एक बार में कुछ बोलू क्या? अरे एमन देखो, आप ये पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये पूरा गोदी मीडिया के माध्यम से चले थे। राहुल गांधी के पूरा आप पूरा भाषण सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे मैं अभी दिल्ली से आता हूँ, आप पूरा भाषण सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे मैं अभी दिल्ली से आता हूँ, 2.5 लाख से ज्यादा के पब्लिक वहां इकट्ठा हुई से पूरे देश से महंगाई के बारे में चिंता करे बर, महंगाई के बारे में सरकार ला जगाए पर, अरे उकर बारे में बात करो ना। अरे आप बोलत रहे ना पूरा 2014 के चुनाव में कि बहुत हुई इस महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार रोजगार के वार और तमाम तरह के जो एजेंडा रही का कर रही आप मन कर रही ना। अरे आप मन तो बड़े बड़े वादा कर रहे पूरे देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, आज वो वादा को दिलाए के बाद ध्यान भटकाए बर के ये मुद्दों पर जो बड़े प्रदर्शन हुए सुखले ध्यान भटकाए बर बीजेपी पूरा खेल खेलते हैं। कितना मुश्किल है ये बात आप करो ना। आप केवल आटा लीटर आटा केजी और ये वो धन फंद वाले बात है हमेशा। अरे आप जनता के मुद्दा के बात करो, आप देश की जनता है ना ये बात समझ। चलो ओपी चौधरी जी, देश की जनता ये बात ला जो भुलाए के काम आप मन करे रहो ओला बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप मन केवल और केवल ठीक है। विनय जायसवाल ठीक है, ओपी चौधरी जी क्या कहा था? अरे राहुल जी तो ये भी बोले कि हम सीधे अब देश की जनता से जुड़ने का काम करेंगे, अब हम सीधे जनता के पास जाएंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया जो है वैश्विक स्तर में मोदी जी के जो मित्र आज महंगाई से अमेरिका हो, ये बात है ना, जर्मनी हो, अभी कोई नहीं बचे। आज दुनिया के जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था चले वाला है और दुनिया में जो भी घटनाक्रम होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ते हैं। यूक्रेन के ऊपर अटैक होते या चाइना ताइवान के बीच झगड़ा झंझट चलते उसका भी प्रभाव महंगाई के ऊपर पड़ते हैं। आज देखा हमारे पड़ोस में श्रीलंका के का हालत सब जाना था। एक कठिन परिस्थिति में मोदी जी हर देश के महंगाई ला कंट्रोल करे बर और अर्थव्यवस्था ला आगे बढ़ाए बर लगातार प्रयास कर रहे थे और दुनिया के सब इंटरनेशनल एजेंसी में स्पष्ट रूप से कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा काम कर रहे थे, चुनौती मन के परेशानी मन के कठिनाई मन के बीच में। अब रही सवाल महंगाई के, महंगाई कम करे के बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, डीजल पेट्रोल के रेट कम करना, दो बार 2020 में 2021 में मोदी जी डीजल के रेट ला 17 रुपया कम करी से और पेट्रोल के रेट ला 15 रुपया लगते के जी। महंगाई के मुद्दा ऊपर हम आगे हैं। फिर सबले बड़े बात यह है कि अगर वीडियो ट्रोल हुआ थे एक दूसरे ऊपर वीडियो दिखा के दोनों पार्टी आरोप लगावा थे तो एकर औ का दूसर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, एकर ऊपर चर्चा आगे बढ़ाबो। एक ब्रेक पर यहां रुको। इस प्रोग्राम के सहप्रायोजक हैं सब्जी का बना स्वाद निराला, जब डाला MDH का गरम मसाला, असली मसाले सच सच MDH, पतंजलि हर्बल बाथ सोप त्वचा की प्राकृतिक कोमलता व सुंदरता के लिए, और ओकाया फास्ट ई स्कूटर जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। जब भी सर दर्द हो तो फास्टैग, जब भी कमर दुखे तो फास्टैग, चाहे मोच हो या सूजन, चाहे जोड़ दुखे तो फास्टैग, सारे दर्द मिटाए फास्टैग। अत्यंत असरदार दर्द निवारक दवाओं से बनी फास्टैग, दर्द अनेक इलाज एक, फास्टैग। नमस्कार, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में अपराधों का मुख्य कारण नशा है? घरेलू हिंसा हो, चोरी डकैती या फिर बलात्कार जैसे संगीन अपराध हो, इन अपराधों में अपराधी ज्यादातर नशे के हालत में ही होते हैं।
आप भी देखिए कैसे नशे की लत ने रवि को चोरी करने पर मजबूर कर दिया और उसका अंजाम क्या हुआ। ना बहन जी, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। ये तो शराबी है, मेरी दुकान से खूब कर्जा लिया है और आज तक के नहीं लौटाया है। अब पैसा नहीं है तो चोरी भी करने लगा। छी, मुझे माफ करना, आज के बाद ऐसे गलती नहीं करूंगा। लीजिए दीदी आपका चैन, अब मुझे जाने दो। तो देखा आपने कि किस तरह ये नशा आपको संगीन अपराध करने पर मजबूर कर देता है। ये नशा आपको अपना घर और गहना गिरवी रखने पर मजबूर कर देगा। ये नशे के सौदागर हैं। ये आपको पहले लत लगाएंगे और फिर आपसे आपका सब कुछ छीन कर ले जाएंगे। तो वक्त पर संभल जाइए और अपने जीवन को सुखी और सरल बनाइए। सबो जन करबो प्रण, नशा मुक्त हो ही छत्तीसगढ़। प्रण करे, नशा छोड़े। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा जनहित में जारी। मध्य भारत का सबसे अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज, अब एक ही छत के नीचे। बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर छत्तीसगढ़, कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। ट्रोल वीडियो पर ट्विटर वार, ये चर्चा सरलग जारी है और ऐसे विषय हवे जोन कोनो आम जनता ले, आम आदमी ले जुड़े नहीं, लेकिन चूंकि अब बात सोशल मीडिया के जमाना है तो एक घाव फिर दोनों ही पार्टी एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगावत है और संगे संग जुन्ना वीडियो ला घलो कागू ला के लोगन मन के सामने रखा थे। बात यहां तक पहुंच चुके है कि रमन सिंह कहा थे कि जोन प्रधानमंत्री बनना चाहते होकर आईक्यू लेवल तक ठीक होना चाहिए। ओपी चौधरी जी ब्रेक में जाए पहले सरलग चर्चा करते रहे, अगर ये वीडियो ट्रोल हवा है और एक कोनो मायने नहीं है राजनीति में, तो ट्रोल काबर हुआ थे, आप मन का कहो। देखा, मैं पहली बात तो महंगाई पे बात कर ली कि अंतरराष्ट्रीय वैश्विक परिस्थिति मन के कारण आज जो स्थिति है पूरा देश और दुनिया जाना थे, और आज के जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है। श्रीलंका के का हालत हो गए, हमारे पड़ोस में सब देखा थे होला, वो कठिन परिस्थिति में चुनौती भरे वातावरण में मोदी जी हर बहुत जोर शोर से प्रयास कर रहे थे कि देश में अर्थव्यवस्था में ग्रोथ भी अच्छा रहे और महंगाई भी कंट्रोल में रहे। एक तो मैं छोटे से उदाहरण देता हूँ, डीजल पेट्रोल के दाम महंगाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम, 17 रुपया मोदी जी कम कर, भूपेश बघेल जी 1.45 रुपया कम करी, एक दूसरा चीज पेट्रोल में मोदी जी 14.50 रुपया कम करी, और जबकि टैक्स 36 बढ़ा भी थे, 36 लेते और 90 पैसा कम करके परिवार के जनता को मजाक उड़ाई। पहली सबले पहली कांग्रेस डीजल के दाम में मोदी जी के बराबर 15.55 रुपया और कटौती करे और पेट्रोल के दाम में 13.60 रुपया और कटौती करे। आप महंगाई की बात कर रहे हो, लेके बड़े प्रदर्शन करी से दिल्ली में कांग्रेस करे ओला भी, लेकिन अभी हमन बात कर रहे वो विषय पर जो वीडियो एक वीडियो के माध्यम से जो आप मन एक दूसरे पर आरोप लगावत हो। अरे वही बात अगर मैं करूं तो आपके लग ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये विषय पर हमन आ जाए ठीक है। ये जो वीडियो है और जो बात एक साथ बैठाए के काम ऐसे में बात नहीं हो भाई। चलो विनय जायसवाल जी आप मन में रुक जाओ थोड़ी देर, ओपी चौधरी जी का कहा था सुन लेते हैं। लेकिन मूल विषय कि ऐसे व्यक्ति ला कांग्रेस नेतृत्व एक सदी के महापुरुष बताए वाले, अगर कोई महान ज्ञानी आदमी है, कोई पूरे विश्व का महागुरु आदमी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमारे देश के 600 करोड़ जनसंख्या बताए वाले कोई महाज्ञानी महापुरुष आदमी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अभी संस्कृत में कहा उलूल जुलूल और अभद्र भाषा का प्रयोग करे है, श्लोक के प्रयोग करे है, टेलीप्रांटर उस समय नहीं हुई तो ऐसे से अभद्र भाषा का प्रयोग हो गई। अगर ऐसे कोई ज्ञानी आदमी है तो हमारे देश ये वही बात ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अरे आप कब तक एक परिवार के एक महा जो नेता है, जो कांग्रेस के जो नेता है,
और पूरे देश के चौधरी जी लड़े थे, साहस के साथ लड़े थे, गोदी मीडिया से लड़े थे, GDIT और जितने संस्थान है ओकर से लड़े थे, किसान पर लड़े थे, युवा पर लड़े थे। अरे आप लड़ाई ला देखो, ये बार बार ना आप देश समझ गई से। ठीक विनय जी, अब मुझे लगता है कि ओपी चौधरी जी ना बोलने देना चाहिए। क्या है आठ साल में देश जी, आप मन रखो, ओपी चौधरी जी आप मन के बारी। जी जी राहुल जी, देखा मूल बात है कि बात जी 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 राहुल जी, मूल बात फिसले के, जुबान फिसले के, बहुत स्वाभाविक में बार बार बोला था। सवाल ये कि ऐसे व्यक्ति ल देश के नेतृत्व मन देते हैं, जो ऐसे परिवार ल देश के नेतृत्व देना चाहते हैं, इमन मजबूरी में, बिना जी के भी मजबूरी है कि वो परिवार ल डिफेंड कर रहे थे, जेकर ना बई कभू खेत देखे, ना जेकर दीदी कभू खेत देखे, जेकर बिना जायसवाल जी भी के भी जुबान फिसल ही ना, तो कभी आटा के लिए लीटर के प्रयोग नहीं कर सके, मोर जो फिसल ही तुम्हार फिसल जो ना कभू आटा पिसाए गए, दुकान ल देखे, खेत ल देखे, ते कभू नहीं कर सके। लेकिन इमन के राजनीति के कांग्रेस के आज मजबूरी है, ओकर फिसलत प्रॉब्लम जुबान फिसलत फिसलत ओला सब राज्य बने के काम पूरे देश के लोकसभा के फिसल गए, आप विपक्ष के नेता बना के मीडिया अधिकार दिया गिस, और ओकर का ये पुराना पुराना कांग्रेस में सब छोड़ छोड़ के बात लगातार देश के जो, लेकिन इस बोले मन नेता खास करके महंगाई की हालत, परिवार वाद कर चढ़े में फंसे हुए बड़े आंदोलन दिल्ली में होते जो और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते राहुल गांधी है, तो चल क्लब ले आ तू ताले एक घंटा वो इंडिया गेट आ जा, कब इंग्लैंड चल देते, कब बैंकॉक चल देते, कब विदेश में रहते, कब देश में रहते, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते, जबरन ओला राजा बनाए बार ओला नेतृत्व प्रदान करे कांग्रेस के सब से लगे हुए, जबकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारा योग। विनय जायसवाल जी, विनय जायसवाल जी, आपका ये कहना चाहता हूं का, विनय जायसवाल जी आपका ये कहना चाहता हूं का, जोन मुद्दा ले लेके कांग्रेस सर दिल्ली में बड़े प्रदर्शन करे हैं, जनता के महंगाई ले जुड़े मुद्दा ले लेके, ओपी चौधरी जी आप मन लग आप मन करा हूं, विनय जायसवाल जी का ये कहना चाहता हूं का, जोन मुद्दा ले लेके कांग्रेस बड़े प्रदर्शन करे हैं, वो प्रदर्शन के जोन मुख्य बिंदु रही से ओखर ले ध्यान हटाए बार बीजेपी हा ऐसे टाइप के पैतरा खेले है, आप मन ये कहना चाहता हूं का। राहुल जी निश्चित रूप से आज के समय में, आज के जो हालात है, जो देश के जो हालात है, उमें एमन ला समझ में आ गई से ये बात। अब एमन के कोई भी जो लब्बाजी है, कोई भी जो पैतराबाजी है, ये एकर जो ट्रोल मीडिया बैठे है, जो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खर्च करके जो मोदी के जो मीडिया बैठे है, अब एमन ला समझ में आ गई से कि अब एमन के जो लब्बाजी है नहीं चले, अब देश के जो आम किसान के मुद्दा है, जो देश के आम नागरिक का मुद्दा है, मध्यवर्गी का मुद्दा है, युवा का जो मुद्दा है, सारे के सारे जो मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई से। और ये फेलियर का जो कारण क्या है, जो इमन ला अपन के जो देखो ये एजेंडा के बात है, ये सरकार के काम करे के नियत है, एकर नियत का है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ कर दे अपन उद्योगपति साथी के, और भूपेश बघेल के कांग्रेस के सरकार क्या करीस, राहुल गांधी की सरकार क्या करीस, 9,500 करोड़ हमन किसान के माफ करें। तो ये मुद्दा जो है ना, अब जनता ये बात ला समझते है कि काबर इतना महंगाई बढ़ी से, काबर इतना बेरोजगारी बढ़ी से। विनय जायसवाल जी आप पूरे देश आप में बोल रहे हो, अंतिम कमेंट ओपी चौधरी जी ले लेना है, मेरे पास बेरा बहुत कम बचे, ये सब के सब देश समझ गई से, और आए वाले समय में 24 में मतलब पता है कि हम जब चुनाव अंतिम कमेंट पूरा ओपी चौधरी जी, ओपी चौधरी जी, विनय जायसवाल जी आप बोल रहे हो 2009 से 2022 तक के पूरा इन्फ्लेशन के आंकड़ा लेके मैं बैठे हूँ। मोदी जी यार अच्छा से मेहनत करके अर्थव्यवस्था ला कंट्रोल करे कोशिश कर रहे थे, लेकिन नए मन डीजल के दाम घटाए, नए मन छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी कम करें, और ए मन खुद कुछ नहीं कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के राजनीति कर रहे थे। वैश्विक परिस्थिति में मोदी जी अच्छा लड़ाई लड़ रहे थे, और दुर्भाग्य है कि मन गांधी परिवार के चापलूसी लगे हुए हैं, जो खेत खलिहान आटा दाल का बहुत ज्ञानी आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे आदमी हो। चलो मुझे लगता है कि जब हम ये मुद्दों पर आथन तो आप मन के जो मूल मुद्दा संग हम जुड़ जाथन, जाहिर से बात है कि आप मन करा दोनों करा बहुत बड़े बड़े महंगाई और दूसरा मुद्दा हवा है, लेकिन आज जो उन मुद्दा रही से हम राजनीति में सुचिता के बात करते रहें, और ये मुद्दा एक उठाए के कारण यही हवा है कि हम चाहते हैं कि राजनीति में एक स्वस्थ माहौल की बहुत जरूरत है। आप दोनों जन जुड़िया तेखर बार आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंचायती में आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में जारी ट्विटर वार के, फिर ये मुद्दा ऊपर मध्य प्रदेश में घलोक राजनीति गरमाए हुए, जेखर ऊपर आज संजा 6:55 में देखा विशेष गोटबात फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मोर सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। जय जोहार।
प्रोग्राम वॉज ब्रॉट यू बाय श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर एडमिशन ओपन, जहां आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, जर्नलिज्म जैसे कोर्स। भारतीय विश्वविद्यालय विगत 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, आपके विश्वास का प्रतीक। अब अपनी शाखा के साथ अग्रवाल आभूषण, न्यू राज टॉकीज के सामने खरोरा रोड तिलता और नाकोड़ा TMT। संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। खबरें खास के प्रायोजक हैं नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। जाने की तैयारी हो गई?